चलते हैं बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों में किस तरह का माहौल है वो भी देखने की बात है, क्योंकि एक तरफ गुजरात में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है तो दूसरी तरफ वहां पर हिमाचल में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जश्न अब जो है दोनों पार्टियां वो मनाना शुरू कर चुकी हैं। गुजरात में रिकॉर्ड जीत को लेकर बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने तस्वीरों में तमाम दिल्ली बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, क्योंकि दिल्ली मुख्यालय पे जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं यहाँ पे। और इनका आना खास इसलिए भी है क्योंकि कल का गम है इन्हें, क्योंकि कल 15 साल की एनसीडी में जो इनकी ताकत थी, जो पावर थी, उसको इन्होंने गंवाया है। उसके बावजूद आज ये यहाँ पहुँचे हैं और सामने आप देख सकते हैं झंडे पताके लेकर लगातार यहाँ पे लोग आए हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लेकर आए हैं। और साथ ही देखिए ये देखिए एक से एक फोटो लेकर आए हैं कि गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी है। जयराम जी, दिल्ली के सारे कार्यकर्ता हैं इधर, कल का गम आज खत्म हो गया? देखिए, गुजरात ने जो प्रचंड जीत दी है उसकी खुशी पूरे देश में दिखाई पड़ेगी। और गुजरात ने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि आने वाले समय के लिए कैसे देश जन भागीदारी युक्त लोकतंत्र की ओर बदल रहा है, जिस बयान के लिए विपक्षी मोदी जी पर टूट पड़े थे, जनता ने उसको सही साबित कर दिखाया कि एक गुजरात बनाने में जनता अपनी भागीदारी भी समझती है। अरे, हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में तो आप पीछे चले गए। अभी रुझान वहाँ तो बहुत कम संख्या में मार्जिन में हार जीत का अंतर होता है। गौरव जी, आप काफी सीजंड पत्रकार हैं और गुजरात में जिस प्रकार से बहुमत मिला है और हिमाचल में जब तक चुनाव के अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हार जीत तय करना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता भी अभी तक हिम्मत नहीं जुटा रहे जश्न मनाने का। ये फोटो का मतलब क्या है? देखिए, आज मोदी जी ये शेर है, आज भारत के शेर पूरे विश्व के अंदर जिनका डंका बज रहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको गुजरात की जनता का, हिमाचल के पूरे देश की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। और मोदी मैजिक आज हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर हो रही है, ये अपने आप में संकेत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा देश जो है हिमाचल और दिल्ली में ये मैजिक कहां से रहा नहीं चल पा। देखिए, बिल्कुल नहीं, अभी हिमाचल का परिणाम आना बाकी है, अंतिम परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहां पर भी कमल खेलने वाला है। मिठाई आपके हाथ में है, लेकिन दिल्ली और हिमाचल ने थोड़ा स्वाद फीका किया है क्या? ऐसा है कि दिल्ली की जनता ने भी मोदी जी को खुलकर आशीर्वाद दिया। आप प्रतिशत में देखिए तो 3% वोट प्रतिशत बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का 14% वोट घटा है। जिन जिनों ने मोदी जी को गाली निकाली उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। आप गुजरात हिमाचल दोनों जगह देख लीजिए, और गुजरात में भी हम बहुत तेजी से 3 दशक बाद भी आगे बढ़ गया है। गुजरात की जो जीत है रिकॉर्ड तोड़ जीत है, सबसे बड़ी जीत आज तक की है। 35 साल का पुराना रिकॉर्ड वहां कांग्रेस का था 149 सीटों का, उसको तोड़ते हुए बीजेपी आगे निकली है। तो उस जीत के सामने हाँ, उसको थोड़ा फीका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेरे साथ हैं। सर, गुजरात में तो बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात की जनता का अभिनंदन है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की विकास परक राजनीति को एक बार फिर आशीर्वाद दिया है। हिमाचल में थोड़ी कसक रह गई? अभी रही नहीं है, अभी परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद में इस पर टिप्पणी करेंगे। अगली बार आपके राज्य में भी चुनाव है, बड़ा उठा पटक वहाँ भी राजस्थान में चल रहा है। देखिए, राजस्थान में रवायत बनी रहेगी, परंपरा बनी रहेगी, लेकिन इतिहास नया बनने वाला है। शुक्रिया। तो आपको बता दें किस तरह से बीजेपी दफ्तर में अब जश्न जो है शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।